हेलो एवरीवन, आज बात करने वाले हैं हम बीएससी के अंदर जो कॉफ़ी आती है उसमें हम किस टाइप से लिखे कि पूरे में से पूरे मार्क्स हमको मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको दूंगा 12 टिप्स। 12 टिप्स दूंगा, यदि आप उन टिप्स को फॉलो करते हो तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा बीएससी एग्जाम के अंदर। तो एक एक टिप्स मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप अपने चैनल साइंस फाउंडेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। अब देखिए कि हम एक एक टिप्स को फॉलो करेंगे। आपको एग्जाम में जो मैं एक एक टिप्स बता रहा हूँ इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, किस टाइप से आपको आंसर लिखना है। देखिए, पहला है क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर, तो पहले जो पेपर है, हमारा पेपर है, उसको एक बार आप ऐसे नहीं है जल्दी में पढ़ रहे हो, आपने पूरा पेपर पढ़ा नहीं और पहला क्वेश्चन का आंसर देने लग गए, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले अच्छे से 10 मिनट, 10 या 15 मिनट लग जाए कोई टेंशन नहीं है, परंतु अच्छे से एक बार पेपर को पूरे को देखना है। पेपर को देखोगे पूरे को, फिर आपके समझ में आएगा भाई ये क्वेश्चन मेरे से इतना आता है, ये इतना आता है, ये मैं जानता हूँ। तो इस टाइप से आपको एक बार पेपर को देख लेना है, जरूर उसको एक बार देख लेना है पेपर को। सेकेंड टिप्स क्या है, सेकेंड टिप्स है पेपर राइट। देखिए पेपर जो है उसके अंदर क्वेश्चन देखे आपने कि भाई मेरे को ये क्वेश्चन आता है, ये नहीं आता है, और जैसे कि आपको पता है 10 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो 10 में से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन होते हैं दोनों में से एक करना पड़ता है एक यूनिट में से। तो इनको एक बार क्या करना है, आपको अच्छे से देखना है और समझना है। और देखिए जब आप पेपर को पढ़ते हो तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन आता है और कौन सा नहीं आता है। जो क्वेश्चन आता है उसको पहले कीजिए, और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको बाद में आप कर सकते हैं। अब देखिए आगे आगे है यूनिट। देखिए सबसे मुख्य बात यह है कि पेपर के अंदर आपके 5 यूनिट होती हैं, 5ों में से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप जब पेपर एग्जाम में लिखते हो, तो आप सबसे पहले क्या करना, जैसे कि मान लीजिए आपके पहली यूनिट में उसमें से आपको क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टार लगा के इस टाइप से कॉपी में लिखना है UNIT यूनिट फर्स्ट। भाई यूनिट फर्स्ट का ये क्वेश्चन नंबर 1 मैं कर रहा हूँ, इस टाइप से आपको लिखना है, जिससे कि जो एग्जामिनर है आपको अच्छे नंबर दे, उसको कंफ्यूज ना हो, वो अच्छे तरीके से आपकी कॉपी को जांच कर सके। आपको यूनिट फर्स्ट लिखना है, और क्वेश्चन नंबर 1 आप यूनिट फर्स्ट का कर रहे हैं तो उसको वहां पे कीजिएगा। फिर मान लो आपने यूनिट फर्स्ट में से दो क्वेश्चन पूछता है अथवा में, तो आपको एक करना होता है, ये नहीं दोनों हम क्वेश्चन करेंगे, तो आप एक क्वेश्चन कर देते हो, एक को नहीं करना है अथवा का। अब आपको करना है यूनिट सेकंड का क्वेश्चन, या फिर यूनिट थर्ड का करना है, यूनिट सेकंड का आपको नहीं आता है उसको आप लास्ट में करते हैं, तो आपको क्या करना है, नीचे लिखना है यूनिट सेकंड, यहाँ पर फिर नीचे लिख लेना है यूनिट थर्ड, थर्ड का आता है आपको तो यूनिट थर्ड लिखना है, और उसका जो क्वेश्चन है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 उसको करना है। तो इस टाइप से एग्जाम में आपको कॉफी है उसके अंदर लिखना है, जिससे कि बेस्ट रहेगा, एग्जामिनर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा, उसका अच्छा लगेगा, और वो आपको आंसर जो है अच्छी तरह से समझेगा और आपको नंबर दे देगा। आगे देखिए एक मुख्य जो टॉपिक है, टिप्स है, चौथे नंबर का टिप्स है हमारा, सबसे मुख्य है देखिए हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग क्या होती है, देखिए एक तो आपकी हैंडराइटिंग खराब है और आप एक सही आंसर दे रहे हैं पूरा, और एक बंदा है जिसकी हैंडराइटिंग खराब है और वो भी उसका आंसर दे रहा है, उसको उसको कम आता है, 50% आता है, तो एग्जामिनर को अट्रैक्टिव कौन सी करेगी, वो खराब राइटिंग वाली या वो अच्छी वाली। अच्छी राइटिंग जिसकी है, एक लिखने का तरीका है, वो ज्यादा उसको अट्रैक्टिव करेगा, वो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देगा और उसको फुल मार्क्स दे देगा, और जिसकी हैंडराइटिंग खराब है उसको थोड़े कम नंबर मिलते हैं, उसका पूरा आंसर सही होते हुए भी एग्जामिनर आधा या एक नंबर जरूर काट लेता है। तो सबसे मुख्य बात आपको यही पता रखना है कि हैंडराइटिंग का विशेष ध्यान रखें, टाइम को देखते हुए हैंडराइटिंग का विशेष ध्यान रखें, अच्छी से अच्छी करने की कोशिश करें। यह नहीं है कि आपको एग्जामिनर ने पूछा है 3 नंबर का और आप उसका गाथा लिख रहे हैं, पूरा मतलब रामायण लिख दिया आपने, ऐसा नहीं है। एग्जामिनर को जो टीचर है वो भी तो पढ़ लिख के ही वहां पे गया है ना, तो उसको सब पता रहता है इस क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में आ सकता है अधिकतम। तो आपको इसी टाइप से लिखना है, भाई क्वेश्चन पूछ रहा है जितना ही उसका आंसर देना है, ये नहीं है एक्स्ट्रा लिख देंगे तो एक्स्ट्रा नंबर आपको मिलेगा। तो चौथी ट्रिप्स हो गई। पांचवें नंबर की ट्रिप्स, चौथी ट्रिप्स है कि हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है। पांचवी है हेडलाइन। देखिए सबसे मुख्य बात जो है, मुख्य ट्रिप्स हैं, इनको आप एक को भी मिस मत करना। सबसे मुख्य ये है कि आपको जब भी मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन की आपको एक मतलब अलग जो कॉफी होती है, सभी बच्चों की कॉफी होती है, उसमें आपकी कॉफी बिल्कुल अलग दिखनी चाहिए, उसको बिल्कुल अलग दिखनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में लिखते तो सभी बच्चे हैं, परंतु आपको एक
हेडलाइन और लगानी है। जैसे कि मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, उसके एक ब्लैक कलर का पेन रखिएगा, पेन आप नीली और ब्लैक इन दोनों पेनों को यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। तो इनको क्या करना है आपको, जैसे कि कोई भी मोस्ट, जैसे कि आपको क्वेश्चन, एक एग्जांपल देता हूं मैं, आपसे क्वेश्चन आ गया कि द्रोणता को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए एवं द्रोणता के बारे में समझाइए, तो आपको क्या करना है, जो द्रोणता को प्रभावित करने वाले कारक हैं उसको क्या करना है, ब्लैक कलर से, ब्लैक कलर का पेन है उसे लिखिएगा द्रोणता को प्रभावित करने वाले कारक, और फिर उसके नीचे उसको हैंडराइटिंग से मतलब वो कर देना, बॉर्डर लगा देना नीचे, और फिर उसके नीचे आपको आंसर को लिखना है, मतलब अच्छे से लिखना है, बिल्कुल अच्छी अच्छी राइटिंग के अंदर, और बिल्कुल हेडलाइन लगा के लिखना है। हेडलाइन से बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ता है आपकी कॉपी पर, कुछ अलग दिखता है, एग्जामिनर को अच्छा लगता है, कॉपी चेक करते वक्त उसको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, तो वो आपको पूरे नंबर दे देता है। यदि आपको एक क्वेश्चन में से 70% ही क्लियर है और 20 या 30% आपसे नहीं आता है, उसमें फिर भी आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। आपको हेडराइटिंग और हेडलाइन दोनों का विशेष ध्यान रखना है। आ जाइए 6 नंबर की जो ट्रिप्स है अपनी, वो है गैप क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन जब करते हो, आप क्वेश्चन करते हो तो उसको एक, जैसे कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपने कर लिया, पहला क्वेश्चन कर लिया तो वो पहला क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो रहा है, तो आपको 2 लाइन का गैप देना है, यहाँ पर 2 लाइन जो है खाली छोड़ देनी है, क्योंकि खूब अच्छी मोटी कॉफी देते हैं, काफी 27 से 28 उसके अंदर पेज होते हैं, उसको भरना बहुत मुश्किल होता है, तो उसको भरने के लिए आपको काफी मिलेगा, ये नहीं है, और सरकार की कॉफी है, अपनी कुछ खर्च नहीं हो रहा है उसके अंदर, तो आपने 1% लिख दिए, 1% अपना एक पेज में पूरा हो गया, डेढ़ पेज में, तो एक डेढ़ पेज में पूरा हो गया, तो ये नहीं है कि उसके नीचे से क्वेश्चन नंबर 2 लगा दे, 2 लाइन छोड़िए और फिर नीचे से लगाना है क्वेश्चन नंबर, अच्छे से आपको हैंडराइटिंग, और वही मैं आपको बताऊंगा हैंडराइटिंग और हेडलाइन दोनों का विशेष ध्यान रखेंगे, और 2 लाइन का गैप छोड़ेंगे और फिर नीचे से क्वेश्चन नंबर 2 लगा के फिर लिखेंगे, तो एक गैप का विशेष ध्यान रखना। क्वेश्चन जैसे कि पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया, 2 लाइन का गैप छोड़ के फिर आपको क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन करना है। देखिए 6 नंबर का गैप क्वेश्चन है, ये आपका डाउट क्लियर हो गया कि क्वेश्चन के बीच में गैप जरूर छोड़ेगा। अब देखिए 7 नंबर है लाइन, देखिए 7 नंबर है लाइन जो है, आपको क्या करना है, जैसे कि आपकी कॉफी आती है, आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, आपके जैसे कि इस टाइप से ये कॉफी आती है, तो कॉफी के अंदर आपको क्या करना है, जैसे कि मान लो यहाँ से आपको प्रश्न नंबर 1 लिखना है, देखिए ये पेपर है आपका, तो इसको देखिए, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से कुछ लिखना है, यहाँ से लिखना है, तो यहाँ से पहले आप कॉफी के अंदर एक फीता और एक पेन सिक की सहायता से इस तरह से आपको खींच लेना है कॉफी के अंदर, और फिर वो लाइनिंग ऐसे होती है उसके अंदर ऑलरेडी आती है, परंतु आपके ये नहीं आता है इस तरह से, तो इस तरह से आपको खींच लेना है और यहाँ पर लगाना है प्रश्न नंबर 1, इस तरह से करना है, फिर इसका आपको आंसर यहाँ पे लिख लेना है, परंतु ये जो लाइन है ये जरूर खींचे, एक साइड खींचे, इस साइड नहीं खींचे, इस साइड आपको नहीं खींचनी है, सिर्फ एक साइड खींचनी है जहां पर आप प्रश्न अच्छे से लगा सके। तो ये है आपके 7वें नंबर की टिप्स, जिसके अंदर आपको लाइनिंग का विशेष ध्यान रखना है। एक आपने 12th क्लास में भी किया होगा, एक फीता लेके जाना है आपको और फिर लाइनिंग खींचना है, एक साइड जैसे कि लाइन खींच दिया, फिर वहां से क्वेश्चन आपको उस लाइन के इधर की साइड आपको लिखना है। 7 नंबर का हो गया। अब देखिए 8 नंबर का जो है, 8 नंबर का है आपकी रफ कार्य। तो रफ कार्य आप सभी को पता है कि रफ कार्य अपन को ये नहीं है कि कॉफी के अंदर ही बिल्कुल उसमें ही गपशप कर दें, ऐसा नहीं है, बिल्कुल पीछे जाइए, पीछे का एक पेज ले लीजिए, उसको आपको रफ कार्य करना है, पीछे का एक पेज ले लीजिए उस पे आपको रफ कार्य करना है, ये नहीं है उसके ही अंदर गपड़ सपड़ कर दिया और मामला गड़बड़, तो बिल्कुल साफ सुथरा रखना है एक तरह से कॉफी को। रफ कार्य आपको कहाँ पर करना है, पीछे करना है, अच्छे से करना है। आ जाइए 9 नंबर पे, आ जाइए टाइम। देखिए टाइम का विशेष ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर, टाइम का विशेष ध्यान रखना है, ये नहीं है कि आप पहले क्वेश्चन में ही इतना टाइम लगा रहे हैं कि आपको पूरे 5 क्वेश्चन करने का टाइम ना मिले और आप फिर लास्ट में जल्दी जल्दी में करोगे तो उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। टाइम का विशेष ध्यान रखें, टाइम एकदम, टाइम क्या है कि आपको टाइम पूरा मिलता है, देखिए 3 घंटे आपको टाइम मिलता है, तो उसको एक मैनेजमेंट का तरीका होता है कि आपको जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से करने हैं। भाई प्रत्येक क्वेश्चन है आपको नंबर देखना है, भाई ये कितने नंबर का, जैसे कि कोई क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, 3 नंबर के क्वेश्चन को क्या करना है, इसको इसको इसके अनुसार ही, जैसे कि 200 वर्ड्स के अंदर इसका आंसर देना है तो 200 में ही दीजिए, ये नहीं है 200 से ज्यादा देंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम यदि आप इसमें व्यस्त करोगे तो आपका जो 6 नंबर का क्वेश्चन है जो आपसे आता है और जो भी रह जाएगा, तो इसकी वजह से टाइम का विशेष ध्यान रखिएगा और टाइम को देखते रहना है।
एक क्वेश्चन को करने के बाद में टाइम को देखना है भाई अब कितना टाइम बचा, टाइम का विशेष ध्यान रखिएगा। 10 नंबर की टिप्स है कि आपको 1, 2, 3 एग्जाम के अंदर सबसे बेस्ट है आप जैसे कि सीरियल वाइज क्वेश्चन को कीजिए, जैसे कि आपने यूनिट 1 कर लिए, फिर यूनिट 2 करिए, फिर यूनिट 3 करिए, फिर यूनिट 4 करिए, इस टाइप से यदि आप करते हो तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाले हैं उसको भी अच्छा लगेगा, आप उसको ऐसे कन्फ्यूज नहीं होगा वो कि भाई ये पहला क्वेश्चन आ गया फिर चौथा दे दिया, फिर चौथा के बाद में पाँचवा दे दिया, दूसरा दे दिया, पहला दे दिया, इस तरह से ना करें, ऐसे करें पहला दूसरा तीसरा। हाँ एक बात अलग है, यदि आपसे क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको लास्ट में कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, कोई परेशानी नहीं है। आगे आ जाइए, अगली जो ट्रिप्स है वो है न्यू पैटर्न। देखिए आपकी जो कॉपी है उसके अंदर एक न्यू पैटर्न के आधार पर आपको क्या करना है, एग्जाम में लिखना है। ये नहीं है कि आप पहले किसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 1 लगा दिया और नीचे लिखने लग गए, चलो हो गया काम। देखिए जैसे कि आपने डायग्राम है, ग्राफ है, ये बनाना है, जैसे कोई क्वेश्चन है उसके अंदर ग्राफ की आवश्यकता है, उसको बनाने की आवश्यकता है, तो उसको बनाइए ना, उसको डायग्राम बनाने की आवश्यकता हो तो उस डायग्राम को बनाइए, जिससे कि एग्जामिनर को अच्छा लगे कॉपी में, और डायग्राम और ग्राफ है अच्छे से बनाइए। जैसे कोई क्वेश्चन है उसको आप ऐसे भी समझा सकते हो और उसके लिए आप ग्राफ भी बना सकते हो, तो ग्राफ को बनाना जरूरी, डायग्राम और ग्राफ को जरूर बनाए, साफ साफ बनाए, और अच्छे राइटिंग के अंदर अच्छे जो रूल ले जाइए, अपने रूल होती है उसको ले जाइए, पेंसिल को उससे आप बना दीजिएगा, सही है। अब आ जाइए, अब 12वें नंबर पे जो ट्रिप्स है वो है क्वेश्चन अटेम्प्ट। देखिए क्वेश्चन आपको सभी करने हैं, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, क्वेश्चनों को क्या है सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया और पांचवा कर लिया, इस टाइप से पूरे क्वेश्चन करना है। ये नहीं है यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है, मान लीजिए अब आप कहोगे सर पूरे क्वेश्चन कैसे करिए यदि हमसे नहीं आएगा, तो आपको यदि नहीं आता है जैसे कि आपने अपने बोर्न हैबर चक्कर पटाया, बोर्न हैबर चक्कर मेरे से नहीं आता है, तो उसके आसपास मतलब उसको थोड़ा बहुत मतलब 20% तो आपको याद है, तो उस 20% को भी वहां पे लिख के आना है, परंतु क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है। आपको नहीं आता है तो भी उसमें दूसरा क्वेश्चन घुसेड़ दीजिए, परंतु करना जरूर है, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है क्वेश्चन को, ये मुख्य बात है। काफी बच्चे क्या करते हैं, मेरे से नहीं आता यार इसको छोड़ देता हूँ, इसको नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसमें भी कुछ भी लिखिए, 1 या 2 पेज भरिए, पर भरना है, मतलब उसके अंदर आपको एग्जामिनर ये देखेगा भाई इसने इतना लिखा है, इसको 1 या 2 नंबर तो दे दें, तो 6 नंबर का जो है उसमें से 3 नंबर मिले वो अच्छा है या बुरा है आपको, तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा जो मैं ये पूरा पैटर्न है, टिप्स है, ये पूरी कैसी लगी। अब देखिए जो आगे की जो ट्रिप्स है अपनी वो बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। ये मतलब 12 टिप्स है मैंने आपको बताई, ये 12 टिप्स हैं, इनमें से इन सभी को एक एक को दिमाग में बैठा लीजिएगा, एक एक को नोट कर लीजिएगा। पहली है क्वेश्चन नंबर, दूसरी है पेपर राइट, पेपर को पढ़ना है, तीसरा है यूनिट वाइज आंसर देना है, तीसरा है हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान रखें, चौथा पाँचवा है हेडलाइन, हेडलाइन जरूर लगाएं, ब्लैक पेन ले जाएं। 6 है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करते हो उसके नीचे 2 लाइन का गैप और फिर दूसरा क्वेश्चन आना चाहिए। तीसरा है लाइनिंग, कॉफी के अंदर लाइनिंग जरूर खींच ले एक, फिर वहां से आपको क्वेश्चन लगाना है। 8वां है रफ वर्क, रफ कार्य एल के पेज में करें। 9वां है टाइम, टाइम का विशेष ध्यान रखें। 10 नंबर का 1, 2, 3, 4, 5 मतलब सीरियल वाइज करेंगे तो बेस्ट रहेगा, जैसे 1, 2, 3, 4 इस टाइप से क्वेश्चनों को करें तो अच्छा रहेगा। 11वां है न्यू पैटर्न, न्यू पैटर्न का मतलब है कि डायग्राम और ग्राफ जरूर बनाना है, कोई क्वेश्चन का बन रहा है तो जरूर बनाएं। 12वां है आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट, देखिए क्वेश्चन को सभी क्वेश्चन करने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, तो ये जो ट्रिक्स हैं इनको विशेष ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन आपसे नहीं आता है एक उसको भी कीजिएगा, और कॉफी को एक अच्छे से सजावटी तरीके से आपको करना है, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स एग्जामिनर दे सके, उसको भी कुछ अलग, आपकी कॉफी चेक करते समय उसको भी कुछ अलग ही लगे, अदर की तरह नहीं लगे, सबसे अलग लगे, तो आपको वो नंबर देगा पूरे। तो इस वजह से आपको क्या करना है, इस बार मैंने जो बताया है उसी टाइम में क्वेश्चन को करना है, तो आपको इतना ही बताना चाहूँगा। अब चैनल को आप एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को देखिए, काफ़ी मेहनत से आपके लिए क्लासेज लेके आते हैं, और बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सभी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, आप प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।